बस्ती महोबा और शाहजहांपुर में रैलियों के बाद अब जन अधिकार पार्टी के संस्थापक और यूपी के पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के गढ़ कहे जाने वाले इलाके में रैली करने जा रहे हैं। 17 फरवरी को बाबू सिंह कुशवाहा की फिरोजाबाद में लोकतंत्र बचाओ संकल्प महारैली है। इस मंडलीय रैली के लिए तैयारियां जोरों पर चल रही है। जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता आसपास के इलाकों में जनसंपर्क अभियान जोरों से चलाए हुए हैं। इसके लिए वो घर घर जाकर लोगों से मिल रहे हैं। सभी प्रमुख सड़कों चौराहों पर पार्टी के बड़े बड़े होर्डिंग्स और बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। इस रैली में लगभग 20 जिलों से लोगों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है। रैली की तैयारियों के लिए विधानसभावार जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। जन अधिकार पार्टी के मैनपुरी जिलाध्यक्ष यतेंद्र कुमार शाक्या का कहना है कि ये मंडलीय महारैली प्रदेश की राजनीति की दिशा और दशा बदल देगी। 17 फरवरी को फिरोजाबाद के सीएस जैन महाविद्यालय ग्राउंड में बाबू सिंह कुशवाहा इस रैली को संबोधित करेंगे। इस रैली के अगले दिन ही मेरठ में भी जन अधिकार पार्टी की महारैली आयोजित की गई है। उत्तर प्रदेश के अलावा जन अधिकार पार्टी बिहार में भी अपना विस्तार कर रही है। बाबू सिंह कुशवाहा ने 3 फरवरी को अपनी बस्ती रैली के दौरान एक चुनाव रथ बिहार के लिए भी रवाना किया था और बिहार के लिए पार्टी के पदाधिकारियों का भी ऐलान किया था। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।